चूड़ी ले लो चूड़ी, हरी पीली लाल सारी चूड़ियां लाई हूँ, चूड़ी ले लो। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की वीडियो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हमारे गोपाल जी और कृषु जो हैं मनिहारी के वेश में आज इनका श्रृंगार होगा। मनिहारी बनकर आज ये हमारी राधा रानी की चूड़ियाँ पहनाने जा रहे हैं। और अच्छा करती हूँ, ये छोटी सी लीला हम सभी को मंत्रमुग्ध कर देगी। और यहाँ पर श्रृंगार करेंगे गोपाल जी का। गोपाल जी को हम राधा रानी के रूप में आज सजाएंगे, राधा रानी के रूप में इनका श्रृंगार करेंगे। और ऐसा श्रृंगार करेंगे ताकि हमारी राधा रानी इन्हें पहचान ना ले। साथ ही कृष्ण का बहुत प्यारा सा श्रृंगार होगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस दौरान, जैसे कि जो खिचड़ी महोत्सव की मैंने वीडियो शेयर करी थी, उसमें भी आप सभी को बताया था कि जो बसंत पंचमी तक का समय होता है, और जिस तरह से खिचड़ी उत्सव मनाया जाता है, और जो इस दौरान का एक महीने का समय होता है, प्रभु अलग अलग रूप में लीलाएं करते हैं, मनिहारिन के भेष में और मालिन के भेष में। तो आज उन्हीं में से एक लीला हम प्रभु की यहाँ पर दर्शाएंगे। और देखिए, प्रभु जो हैं वो भक्त को अलग अलग तरह से दर्शन देते हैं, अपनी अलग अलग लीलाएं जो हैं वह बताते हैं। साथ ही जो भक्तजन हैं प्रभु के अलग अलग सेवाएं देते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, खिचड़ी महोत्सव में प्रभु को गर्माइश पहुंचाने के लिए खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गर्मियों में आप देखेंगे तो नौका विहार सेवा दी जाती है, इत्र सेवा सर्दियों में गर्मियों में दी जाती है, और काफ़ी तरह की सेवाएं हैं जो प्रभु को दी जाती हैं। उन्हीं में से एक सेवा जो है, हम खिचड़ी महोत्सव के दौरान जब खिचड़ी महोत्सव मनाते हैं तो उस दौरान ये प्रभु की सेवा और भक्तजन के भाव हैं जो हम इस तरह से प्रभु की सेवा करते हैं। तो आज जो है एक लीला प्रभु की यहाँ पर दर्शाएंगे, और सभी का श्रृंगार जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी राधा रानी का प्यारा सा श्रृंगार हो रहा है, आप देख सकते हैं। राधा रानी तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। साथ ही जब हमारे गोपाल जी राधा रानी के स्वरूप में उनका श्रृंगार होगा तो वह देखने लायक होगा। और आप देखेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के स्वरूप में कितने सुंदर लग रहे हैं, और हम खुद ही इन्हें नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारी लाडली है या लड्डू हैं, तो भले राधा रानी उन्हें कैसे पहचानेंगी। तो कुछ ऐसा श्रृंगार हमें आज इनका करना है। साथ ही कृषु का भी श्रृंगार करना है, तो कृषु को भी हम राधा रानी बनाएंगे। तो हमारी आज सभी जो हैं वो यहाँ पर राधा रानी ही हो जाएंगी, और कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, लड्डू का श्रृंगार लाडली के स्वरूप में जो कर रही हूँ। तो सेम पोशाक तो मैंने इनके पहना दी है, जो वस्त्र जो पोशाक लाडली ने धारण किए हैं वही पोशाक आज लड्डू ने भी पहनी हुई है। और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार होगा। बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे लड्डू का श्रृंगार जो है वो किस तरह से होगा, लाडली के स्वरूप में ये कैसे लगने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लड्डू के हेयर्स आते हैं वही मैंने इनके लगा दिए हैं, और सेपरेट चोटी लगा दी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल जी का आप राधा रानी के स्वरूप में किस प्रकार से श्रृंगार कर सकते हैं, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, और इसका जो लिंक है वो भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी। तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो वॉच करके आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने लड्डू को किस तरह से लाडली के स्वरूप में उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी लाडली जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और इनका श्रृंगार कितना सुंदर हुआ है। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी लाडली, और लाडली ही कहूँगी इन्हें क्योंकि हमारे लाडली के स्वरूप में इनका श्रृंगार हो चुका है। और बस अब जब मैं इन्हें चुनरी उढ़ाऊँगी तब देखना कितना प्यारा स्वरूप लगेगा इनका। और
ये देखिए यहाँ पर जिस हाथ में इनके लड्डू था, बस उस हाथ पे मैंने इस तरह से आगे चुनरी दे दी है और श्रृंगार पूर्ण हो गया। अब हमारे कृषु का श्रृंगार कर लेते हैं। तो वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है फ्रेंड्स, डिटेल में यहाँ पर वीडियो मैंने नहीं ली है क्योंकि वीडियो हो जाती बहुत ही ज़्यादा लंबी। और जल्दी से मैं कृषु का भी श्रृंगार करूँगी। सभी के मैंने लड्डू को, लाडली को इनर वेयर्स पहनाकर, अंदर हाफ स्वेटर वगैरह हैं वो पहना दिए हैं। कृषु को मैंने अंदर जो वॉर्म वेयर इनके इनर सूट आते हैं वो पहना दिया है। और आज दिल्ली में बहुत दिनों बाद धूप निकली थी तो सभी यहाँ पर धूप में थोड़ी देर बैठे थे और फिर मैं इन्हें अंदर लेकर आई थी, तो मैंने इनका ये श्रृंगार वगैरह सभी का दोपहर में किया था मनिहारिन के रूप में, क्योंकि सुबह सबका स्नान वगैरह कराकर श्रृंगार तो हो ही चुका था। और लगभग सभी का श्रृंगार हो चुका है फ्रेंड्स। और चलिए अब हम इन्जॉय करते हैं, अब हम आनंद लेते हैं हमारे प्रभु की प्यारी सी लीला का, मनिहारिन रूप में जो लीला इन्होंने दिखाई है उसका। तो चलिए मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। उछलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी कैसा रूप है ठाकुर जी का, ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब राधा जी तक आवाज पहुंचती है, ठाकुर जी को बुलाती है, अपनी सहेलियों से कहती है, क्या राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ठाकुर जी चूड़ियां दिखा रहे हैं सुंदर सुंदर, राधा जी क्या कहती है, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, मोहे श्याम रंग, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और ठाकुर जी अपने हाथों से चूड़ियां पहनाते हैं राधा जी को, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे।